जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में मध्य प्रदेश खो खो की टीम में सेगांव के छात्र अर्पण मायाराम मंडलोई का चयन होने पर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य, क्रीड़ा अधिकारी अश्विनी गुप्ता, प्राचार्य संदीप कापड़निस ने बधाई दी। वहीं सेगांव में छात्र अर्पण का चयन होने पर सरपंच शांतिलाल चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जायसवाल, हरिओम यादव, श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील अध्यक्ष भूपेंद्र अग्रवाल द्वारा पुष्पहारों से स्वागत कर मुंह मीठा किया गया व उनके कोच भास्कर पाटिल की प्रशंसा करते हुए जीत की बधाई व शुभकामनाएं देकर भुवनेश्वर में विजेता होने की अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर खो खो के खिलाड़ी भी मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कौन से खेल में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? खो खो में। कहाँ के किस स्तर पे खेलोगे? नेशनल स्तर। आपको प्रेरणा ये खो खो की कहाँ से मिली? सर से, पाटिल सर, भास्कर राव पाटिल सर से, और ग्राउंड पे खेलता था। आपके क्या भविष्य में इच्छा है कि क्या करना चाहते हो? कोच बनना, पीटीआई बनना। और आपके अनुभव क्या है खो खो को लेकर? खो खो अच्छा गेम है, स्टेमिना का गेम है, उसमें फुर्ती बढ़ती है, दिमाग मानसिक तौर पे भी अच्छा गेम है, उसमें मानसिक स्तर बढ़ता है और स्किल्स डेवलप होती है। क्या नाम लिखता? अर्पण मंडलोई। गर्व की बात है हमारे गांव सेगांव से, हमारे स्वराज युवा खेल संस्थान से एक खिलाड़ी विगत चार माह से लगातार प्रैक्टिस कर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेल के आया। उसके बाद कल उसने मध्य प्रदेश की टीम के लिए खेला और उसका चयन नेशनल टीम में उड़ीसा के लिए, भुवनेश्वर के लिए हुआ है। मैं उसे पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे मंडल अध्यक्ष सरपंच महोदय शांतिलाल जी यादव, सुरेश भाई जी पटेल, हरिओम जी यादव और संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुरु हे अग्रवाल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्य के लिए बहुत सहयोग किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।